The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. एक महीना हो गया है दोस्तों, almost एक महीना जब चाइना वुहान से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। 20 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है, एक आउटब्रेक हो चुका है, एक एपिडेमिक पैंडेमिक का रूप धारण करने लगा है और ये सोशल मीडिया पे खूंखार तरीके से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं या वॉट एवर दे आर डूइंग। और इतने सारे केसेस हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स इन द लास्ट पार्ट। और यस, इसमें कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि 200 से ज़्यादा कन्फर्म डेथ हो चुकी है, 10,000 के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ये नंबर बढ़ता रहेगा एवरी सेकेंड एवरी डे, बट देन जो डेथ रेट है जो वो अलग है। वी हैव टू अंडरस्टैंड 80% ऑफ पीपल हु गेट इन्फेक्टेड बाई दिस वायरस विल हैव नो सिम्टम्स ऑल्सो, सिम्टम एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं या माइनर डिजीज होगी, और 20% को मेजर डिजीज हो सकती है, उसमें से भी 2-3% लोग ही जो सकम होते हैं सीरियस प्रॉब्लम्स के, ARDS जो हमने बताया था आपको वीडियो में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से जिनकी डेथ होती है 1-2%, वो लोग जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े हैं, ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है अंदर। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फिर भी इस सब के नॉलेज के बावजूद फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह इतने सारे लोग उल्टी सीधी बातें, फेक न्यूज, फेक बातें चाइना के खिलाफ और चाइनीज लोगों के खिलाफ फॉल्स ऐसी बातें बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी बातें हो रही है कि चाइना इज बिल्डिंग अ बायोलॉजिकल वेपन जो कि लीक हो गया। ये एक वेपनाइज्ड वायरस बना रहे थे और वो लीक हो गया वुहान में, और ओरिजिनली ये लोग बना रहे हैं दुनिया को कब्जा करने के लिए, भाई साहब ऐसा वैसा जो भी है। सो देर आर एक्चुअली ट्वीट्स अबाउट इट, देर आर एक्चुअली बायोलॉजिकल वेयरफेयर होने वाली है दुनिया में, ऐसी बातें हो रही है। दैट इज एब्सोल्युटली रबिश, राइट? सब उल्टी सीधी मंद घड़ंत बातें। फिर चाइना के स्पाइज ने ये बोला कनाडा से आया, ये कई लोग कह रहे हैं कनाडा से वायरस लिया है उनका, चाइना के जासूस स्पाइज उसको स्मगल कर रहे थे चाइना कनाडा से, और ये चाइना पहुंच के वहां पर गलती से निकल गया, राइट? एंड देर आर एक्चुअली पीपल, गुड एजुकेटेड पीपल हु आर ट्राइंग टू जस्ट पॉलिटिकल अपने जो ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए कोई कंट्री के खिलाफ, कोई कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे चीजें बता रहे हैं, राइट? कोई ये बोलने लगा है कि इसकी वैक्सीन ऑलरेडी है हमारे पास, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास इसकी वैक्सीन है, ये बोल के कई लोग बोलने लग गए हैं कि ऐसे भी न्यूज है या ऐसी कोई ट्वीट देखने को मिल जाएगी आपको कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पहले वायरस बनाई खतरनाक और उसके साथ वैक्सीन बनाई और अभी वायरस फैला रहे हैं, फिर वैक्सीन बेचेंगे हैवी इसमें पैसे कमाने के लिए। तो ये सिर्फ पैसे कमाने की चाल है। There is no such evidence of any kind of mishappening here. ऐसे कोई पूरी दुनिया के medical fraternity, पूरी दुनिया के जो WHOs, जो CDCs, ये सब पागल नहीं बैठे हैं, ठीक है? So this is not a simple thing. Remember this, ये सब fault है. फिर एक हमने देखा, scientists predict कर रहे हैं कि 65 million पीपल विल डाई ऑफ कोरोना वायरस, ये भी एक प्रिडिक्शन आया। दिस इज लाइक कोई कह रहा है जॉन हॉस्किंस के रिसर्च सेंटर ने एक्सरसाइज करी थी कि कितने मॉडल किया था कि ग्लोबल रिस्पॉन्स होगा पोटेंशियल एपिडेमिक पैंडेमिक का, और उससे 65 million पीपल विल डाई, ऐसी ट्वीट्स आपको देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली रबिश एंड पीपल आर ट्वीटिंग इट। द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसी ने एक आधे ने बोल दिया, प्रॉब्लम है कि उसके 50,000 रीट्वीट्स है, उसके लाखों लाइक्स हो रहे हैं, राइट? पीपल आर लाइकिंग इट, रीट्वीटिंग इट, पीपल आर, राइट? ये एक मास हिस्टीरिया पैदा हो रहा है। कोई कह रहा है देयर आर 1 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं, 1 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस नहीं है अभी तक, सिर्फ जो डेट वाइज बोलोगे आज पर, कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक सिर्फ 10,000 केसेस थे,
एक लाख से ज्यादा है ही नहीं, कोई कह रहा, कोई कई सारे फेक वीडियोस आ गए हैं लाइव कहीं कहीं से, कोई नर्स के वीडियो, कोई पेशेंट का वीडियो, कोई चाइना से वीडियो, कोई दूसरा वीडियो, कोई तीसरा वीडियो. सो डोंट बिलीव इन ऑल दीज वीडियोस, बिलीव इन द फैक्ट्स. कई लोग डर का कारोबार निकालना शुरू करते हैं डर के लिए. यस देर आर पीपल इन द वर्ल्ड, तो दीज आर जो आपको डरा के इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस, मेडिकल फ्रेटर्निटी की इंपॉर्टेंस, राइट. सो डोंट गो इन टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. ऐसी किसी भी न्यूज के खिलाफ मत काम करो, राइट. कोई एक एक वीडियो टिकटॉक पे भी आया था, जो एक पर्सन ने अपना उल्टी आ रही है, उसको खांसी आ रही है, जबरदस्ती फिर उसने ट्वीट कर दिया कि भी मुझे ये कोरोना वायरस निकला है, कंफर्म हो गया, जबकि टेस्टिंग का विदाउट नोटिफाइंग CDC, टेस्टिंग का कोई और ऑप्शन ही नहीं है, टेस्टिंग ही उसकी वहां होती है. तो हाउ कैन अ पर्सन गेट इट यू नो डेवलप कि भाई कंश्योर्ड कंफर्म. कोई कह रहा है चाइना ने दिन के दिन में, एक दिन में, एक रात में एक नया हॉस्पिटल बना दिया इसके लिए, कोरोना वायरस के. क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल अपना पैसे कमाने की चालें हैं लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. सो इवन देखो ये जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इनका भी काम है कि ये सारे जो फेक फेक न्यूज, फेक आर्टिकल्स आ रहे हैं दुनिया भर में, इसको रोके, राइट. एंड मे बी दे आर डूइंग इट, राइट. मे बी दे आर डूइंग इट, मे बी ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, बैट को, चमगादड़ को का सूप पीते हुए, वो वायरल वीडियोज हो रहे हैं, कोई लोगों को बौखलाने के लिए उल्टा सीधा, वो चीजें रोकी जा रही है. यस द थिंग इज देयर, बट देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो, राइट. कई लोग ऐसे वीडियोस कर रहे हैं कि चाइनीज लोगों से दूर रहो, चाइना में जाओ मत, चाइना में मत जाओ. चलो ठीक है, चाइना में तो हो रहा है, बट आपके एरिया में जो चाइनीज कम्युनिटी है उनकी कोई गलती नहीं, उनसे दूर रहो, उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चाइनीज लोगों से दूर रहो, चाइना वाले की वजह से हुआ. सो दिस इज रॉन्ग, डोंट मेक इट अ रेसिस्ट थिंग, राइट. डोंट मेक इट मेक इट बिकॉज ऑफ, डोंट मेक अ हॉक्स ऑफ दिस, राइट. यू नीड टू मेक श्योर कि इसका इसकी सच्चाई समझना. कोई भी कह देगा कि मैंने इसके इसका क्योर निकाल लिया है, तो ये इसमें सच्चाई मत समझ लेना. खासकर जब तक कोई, अगर कोई क्योर आएगा तो ऑब्वियसली दैट वुड बी एन इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में आ जाएगा, सिंपल सी चीज है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फेक न्यूज कौन सी है, रियल न्यूज कौन सी है, ट्रुथ क्या है और सच्चाई क्या है, मिथ क्या है. कोई भी किसी भी प्रकार का, सबसे ज्यादा इंडिया में तो चल रही फेक न्यूज है कि भी नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज के अंदर चिकन खा लोगे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा. चिकन के अंदर कोरोना वायरस है ही नहीं, होता ही नहीं, आता ही नहीं, ठीक है. सो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच पीपल आर यूजिंग फॉर देयर ऑल्टरनेट एजेंडाज. आप अपना समझो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई एंटी नेशनल एजेंडा, कोई किसी कंट्री के खिलाफ एजेंडा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई सच एजेंडाज और उससे बच के रहो. कोरोना वायरस की सच्चाई ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है. अब उसका एक नया म्यूटेटेड वर्जन आया है जिसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये भी ऐसा नहीं जिसको हुआ वो गया, नहीं. इसका भी डेथ रेट ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो टेक्निकली 1% से भी कम होना चाहिए टेक्निकली, बट ज्यादा से ज्यादा अभी जितने आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जितने टेस्ट करके प्रूवन केसेस हैं, उसमें भी 2% लोगों में हो रहा है, वो भी जो बीमार है ऑलरेडी उनको. सो गेट हेल्दी, वर्क ऑन योर बॉडी एंड डोंट वरी अबाउट इट. प्रोटेक्शन पे, प्रिवेंशन पे ध्यान दो. प्रिवेंशन इज हाइजीन, ना कि कोई गोली, ना कि कोई ड्रॉप, ना कि कोई नुस्खा, राइट. किसी चीज में कोई डाल के उबाल के खा लो, जिंदगी में कोई कोल्ड ड्रिंक लिख के तुम्हें ले लो, डोंट डू दैट प्लीज, डोंट डू दैट, राइट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट रियली, राइट, सच्चाई देखो एंड डोंट फीड द हॉक्स गोइंग अराउंड दिस कोरोना वायरस. और बच्चों के बारे में खासकर बहुत ज्यादा डर हो जाता है, मेरे बच्चे को छींक आ रही है, खांसी आ रही है, क्या उसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो माँ बाप से रिक्वेस्ट है, डोंट वरी सो मच. बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको हाइजीन टीच करना, नहीं करिए आज से करो. एंड
ऑब्वियसली चीजें हैं, कोरोना वायरस आज फैल रहा है, मे बी अब आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स उसका नाम भी नहीं सुनोगे. सो मेक श्योर जस्ट स्टे काम, राइट, थिंग्स विल गेट कंट्रोल एंड स्टॉप वॉचिंग उल्टी सीधी न्यूज अबाउट कोरोना वायरस. जस्ट फिल्टर थिंग्स, सही गलत, सही गलत. आई होप यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड इंटेलिजेंट इनफ टू शेयर दिस वीडियो. ओके.